राम राम जपना पराया माल अपना, जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। जब मैं भैया शराब हूँ पीता, नजर आवे मोहे राम और सीता है, नजर आवे मोहे राम और सीता। राम नाम राम नाम राम नाम जपना पराया माल अपना, पराया माल अपना हो। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, राम नाम जपना पराया। लग गया फैक्ट्री मां मशीन, ये हो गया थोड़की सा इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया इनॉगुरेशन। हाँ हाँ विश्वासघाती, तो फिर मेरी सजा भी सुन ले। मैं पृथ्वी सिंह बल्द गंगा सिंह ये ऐलान करता हूँ कि जैसे मैं बर्बाद हुआ हूँ, वैसे तेरा भी नामा निशान मिटा दूंगा, तेरा भी नामा निशान मिटा दूंगा। किसने लिखा है मेरे भारत में ये? उसने लिखा है जिसके आगे तू हाथ जोड़ जोड़ करवाती रहती है। कान खोल कर सुन ले, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, समझा? ये बुढ़िया तो सटिया गई है, मगर शंकर नहीं सटिया, वो तुझे अच्छी तरह जानता है। मैं इसको गली में उठा कर फेंक दूंगा, मैं इसको टुकड़े टुकड़े करूंगा, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तू भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर, जो ना कुछ सुन सकता है, ना कुछ देख सकता है, ना कुछ कर सकता है। आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। तुम ईश्वर नहीं हो, तुम संसार के रखवाले नहीं हो, तुम पत्थर हो। खुश तो बात हो गया था, बजरंग बली मेरी ना चली जरा गली पे। अरे बली क्यों बम्बू लगेगा, ये भी कोई भगवान है? अरे बचपन में पेट भरने के लिए मस्का चोरी करते थे, पकड़े गए, अब तुम लोग इसको मस्का। आई एम सॉरी सर, मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा, मेरी और इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, मेरा भगवान मेरे अंदर है, मैं किसी और भगवान में नहीं हूं। ये लीजिए प्रसाद, आपकी हर जान के लिए। I'm sorry sir, मैं ये प्रसाद भी नहीं ले सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाने, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। अपने कॉलेज का डीन है ना हरामी। हरामी है डीन? हरामी हरिश्चंद्र रामचंद्र मिर्चंदानी। देख कितना प्यारा बच्चा है, पर मुझे ये बताओ इसका नाम भोला राम क्यों रखा? मेरी नानी ने बड़ा फोर्स किया जी ये नाम रखने के लिए। क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम भोला राम रख दिया। अच्छा बाजी, लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों, अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी? ओ कम ऑन दादी, क्या करे क्या करे, अब आप ही बताइए क्या करे। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो, एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। हाँ साहब, आप हमारा छुआ पानी पियेंगे? अरे तो क्या हुआ, ला हौल विला कुव्वत, भैया हम तो सीधी बात जानते, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। वाह वाह जी हाँ, राम बलराम डिटेक्टिव एजेंसी, चाइल्ड एंड वुमन स्पेशलिस्ट। आपको कोई एतराज? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप श्री? तात श्री बलराम। और पूज्य राम जी? गया होगा जगबाग में श्री राम जी, किसी शानदार होटल की आलीशान पार्टी में शैंपेन पी रहे होंगे। एक बार क्या हुआ मालूम है, राम और श्याम दोनों गेम बजा रहे, उतने में उसका मर्द आ गया, मर्द ने इधर उधर ढूंढा, वो तो उसके मर्द को देखते ही राम सीधा पंखे पे चढ़ गया और श्याम है ना बिस्तर के नीचे घुस गया। मैं तेरे को फ्रीज ला के दूं क्या? बीवी बोली नहीं जी राम देगा जी। फिर बोला वीसीआर ला के दूं क्या? वो बोली नहीं जी राम देगा जी। टीवी ला के दूं क्या? नहीं जी राम देगा जी। इतने में राम ऊपर से नीचे कूदा, बोला बे साली तेरे को सब कुछ राम देगा तो श्याम क्या मुफ्त मिलेगा? तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता, तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है, और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तू पत्थर की इस मूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने की लायक नहीं छोड़ूंगी। तो फिर पूछिए ना अपने भगवान राम से, आप लोग तो बहुत करीब है ना उनके, जिनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं खड़ा। तो पूछिए भगवान से कि इस आदमी ने कजरी के साथ बलात्कार क्या उनकी मर्जी से किया? आपका जाइए ऊपर जाइए, किसी कोने में दुबक के बैठ जाइएगा वरना पोल खुल जाएगा आपका। आप हैं किस मर्जी की दवा, घर में बांसुरी बजा के भाभी माँ को बेवकूफ बना रखा है, यहाँ बच्चा बन के गाँव वालों को बेवकूफ बना रहे।
अरे यही से कुछ नहीं चलने वाला, कुछ करके दिखाई। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। चार गोली। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्ला नंबर 786। भेजने से मैं बचा लिया। जी हाँ, वेरी गुड। 786 का मतलब होता है बिस्मिल्लाह, जिसके ऊपर अल्लाह की इतनी रहमत हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम आज मंदिर में क्यों नहीं रुक जाते? सुबह चले जाना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? समर कर जाना। हाँ, दो बच्चे हैं, कोई 8-10 साल के। लड़की का तो अच्छा दाम मिलेगा ही, पर ये अंधा लड़का तो लॉटरी लगा देगा। सरस्वती जी की पूजा कर रहे थी। तो सरस्वती जी की पूजा नहीं, सरस्वती जी को टॉर्चर कर रहे हो आप लोग। अब सरस्वती जी तो यहाँ पर आ नहीं सकती, तो उनकी तरफ से मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज प्लीज गाना मत गाइए आप। क्या? अरे क्या क्या, देखिए देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। कोई मानी या ना मानी, पर सब उसकी बातों में आ गए थे। दादी कम्मो और विमो ने गाना छोड़ के एक नई मुसीबत को गले लगा लिया और सबको।